हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। इससे पहले हमने दो स्विच तीन सॉकेट के एक्सटेंशन बोर्ड का वीडियो बनाया है और उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। फिर से एक मॉड्यूलर बोर्ड जिसमें दो स्विच और तीन सॉकेट का बोर्ड यूज करके हम बना रहे हैं। ये देखिए, लीग्रैंड कंपनी का मॉड्यूलर प्लेट है। ये 8-way का मॉड्यूलर प्लेट है जिसमें आप 8 स्विच भी लगा सकते हैं, 4 सॉकेट भी लगा सकते हैं। और अब हम इसमें दो स्विच और तीन सॉकेट लगाने वाले हैं। तो देखिए, ये प्लेट ऐसे होता है। ऊपर वाली प्लेट को हम रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो प्लेट होता है इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं जो कि इसके फिटिंग के लिए होते हैं। इस प्लेट को 4 होल्स है जिससे हम ये प्लेट सरफेस बॉक्स में फिट कर सकते हैं। और हर प्लेट पे ऊपर की तरफ मार्किंग होता है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये प्लेट सीधी कौन सी साइड में है। तो चलिए, ये देखिए सॉकेट इस तरह से लग जाते हैं, बिल्कुल आसानी से लग जाते हैं। उनके 4 लॉक होते हैं जिससे ये आसानी से बैठ जाते हैं। तीनों सॉकेट और स्विच बिठा चुके हैं, बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। पूरा बोर्ड आसानी से तैयार हो जाता है। ये देखिए पीछे साइड, तो हमें 3 सॉकेट दिख रहे हैं और 2 स्विच। दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हम कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाला जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से हम दूसरा सॉकेट और तीसरा सॉकेट का एक एक टर्मिनल कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि लाइन वाला टर्मिनल होता है जहाँ पे फेस जाती है। तो ये देखिए, हमने 2 नंबर वाले स्विच से 2 सॉकेट को कनेक्ट कर लिया है, यानी कि वो कॉमनली ऑन हो गए दोनों ही। और 1 नंबर वाला जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से पहला वाला जो सॉकेट है उसका L टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर लिया है। अब पहले वाला जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो पहला वाला सॉकेट में लगा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑन होगा, और 2 नंबर वाले स्विच से 2 सॉकेट के ऑब्जेक्ट है वो ऑन हो गए। ये देखिए, ये दिख रहा है, L टर्मिनल से हमने सभी वायर्स को ठीक से कनेक्ट किया है। और अब न्यूट्रल टर्मिनल कनेक्ट करना है और अर्थिंग वाला टर्मिनल कनेक्ट करना है। न्यूट्रल टर्मिनल के लिए एक वायर बना रखी है पहले से ही। ये देखिए, ऐसे कनेक्ट करनी है उसे। और ये जो बचा हुआ वायर है, जब हम ये बोर्ड फिट करेंगे तो उसमें ये फिट होने वाला है। और ये अर्थिंग वाला वायर भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों के तीनों जो अर्थिंग टर्मिनल है उनको ये कनेक्ट करना है। अर्थिंग का भी वायर हम जब बोर्ड को कनेक्ट करेंगे तब वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इससे पहले हमने मेंस कॉर्ड कैसे कनेक्ट करनी है ये बताया है। अगर आपको जानना है कि वो कैसे कनेक्ट करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।